भगवान की लीलाएं निरंतर हो रही, नित्य हो रही। एक हम समय तो अधिक नहीं है लेकिन सुना देते हैं, एक घटना सुनाएं, सत्य घटित घटना। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी गिरिराज जी में लक्ष्मण मंदिर, श्री निर्वाणी अखाड़ा लक्ष्मण मंदिर, सब बड़ा बाजार सब्जी मंडी में महाराज जी विराजते थे। उस समय महाराज जी के निकट दो महापुरुष विशेष, एक चित्रकूट वाले पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, बहुत उच्च कोटि के महात्मा, और दूसरे श्री हरेराम बाबा जी महाराज, ये दोनों महापुरुष विराजते थे। और एक ब्रजवासी भगत थे, वो थे तो ब्रजवासी लेकिन उनके लोग परिवार के लोग आगरा बस गए थे, आगरा में कुछ काम धंधा था, वो आगरा तक सब ब्रज ही है। बल्लभ कुली थे, वो बल्लभ कुल के वैष्णव थे भगवान दास, और उनको लोग खलीफा गुरु कहते थे। अब भगवान जाने क्यों खलीफा गुरु कहते थे, भगवान जाने। रोज दाऊ जी की बूटी छानना, भंग रोज छानते थे वो। और जैसे गिरिराज जी में आते तो सब तीन तीन दिन अटल बिहारी जी, तो भगवान दास ने उनको भी भंग छनाई, महाराज जी को वहीं अखाड़े में ही रह जाते अटल बिहारी वाजपेयी, तब प्रचारक थे संघ के वो। तो अब ये बात सबको मालूम नहीं, वो जमाना था ठंडाई छानने, दयाल उपाध्याय जी भी आते थे उनकी गोष्ठी में सम्मिलित होते, वो भी ब्रजवासियों का श्रृंगार था किसी जमाने में। छाने घोटे मानसी गंगा में खूब तैरे, गोता लगाए, फिर गिरिराज जी की परिकम्मा निकल गए, पूरे मुंह पे मोहड़े पे पूरा गोपी चंदन को थोपा चंदन लगाए के, और रोली थे ऐसी बल्लभ कुली उंगरिया थे रोली थी, जैसे गिरिराज बाबा के तिलक खींच दिए जाए ना ऐसी तिलक खींच के फिर चलते। बद्रीनाथ गए खलीफा गुरु, अरे खलीफा कछु मांग ले बद्रीनाथ बाबा सो, अरे बाबा तेरी कृपा ते खूब छंती घुटती रहे, बस अचरा पसार के यही मांगू, आखिरी क्षण तक छंती घुटती रहे, कछु नहीं मांगे, और तो हम ब्रजवासी हैं तो खूब हृदय खोल के आशीर्वाद दें, बस तो कुछ दे सके तो आखिरी क्षण तक छंती घुटती रहे, ऐसे वो विनोदी थे। तो श्री हरेराम बाबा जी ने प्रस्ताव किया कि हम लोग बरसाना चलें राधा बाग में, वहीं कुछ दाल बाटी चूरमा बने, तो व्यवस्था सारी जुटाई भगवान दास खलीफा ने, और गिरिराज जी से पैदल ही बरसाना चले गए। भोर में जल्दी गए और सामग्री भी अपने हाथ में ही झोला बने, अपने कमंडल और बाल्टी लेके वहाँ गए, घी वगैरह लेके गए। तो राधा बाग में स्नान करके और सभी लोग तो अपने नित्य नियम करने लगे, हरेराम बाबा पुजारी जी, और महाराज जी तो शुरू से सेवा का अभ्यास था, तो महाराज जी एक तो देसी चूरमा होता है एक कड़ाही का होता है, तो देसी चूरमा तो भोभर में बाटी सेक के और विभूति झाड़ के फिर उसको चूरमा बनाते हैं कूट के खल्लड़ से, और उसमें गुड़ डाल देते हैं घी डाल देते हैं, वो देसी चूरमा बहुत बढ़िया होता है, क्या कहना, कढ़ाई वढ़ाई वाला उतना बढ़िया नहीं होता है, देसी चूरमा किया गया, और खूब बढ़िया दाल, खूब चकाचक घी पड़ी भाई, और चूरमा आलू का चोखा और बाटी बनी, दाल बाटी बनी। सत्य घटना सुना रहे हैं आपको, और इस घटना को हमने तीनों से सुना, इसलिए महाराज जी ने तो अपने मुख से नहीं सुनाया, हाँ हमने पूछा जरूर तो महाराज जी गदगद हो गए और बोले, हरेराम बाबा और पुजारी जी दोनों महान संत थे, ठाकुर जी कने कुछ न कुछ लीला तो करते ही रहते, बस इतना ही कहा। ओ हमने पुजारी जी से भी पूछी और श्री हरेराम बाबा से भी पूछा और भगवान दास जी भी थे उनसे भी हमने पूछा, तीनों ने कहा कि हाँ यह सत्य घटना है। तो कर रहे थोड़ा बहुत सहयोग करा, महाराज जी चूरमा के लड्डू बना रहे, दाल बाटी सब तैयार, अब लगे भोग कटे रोग
सुखी रहे नगर बस्ती के लोग, यही मंत्र है साधुओं का, उसकी तैयारी थी। तो महाराज जी तुलसी जल पधराए के, और इधर राधाबाग में देखा हुआ, इधर देखो तो श्री जी का शिखर दिखता है, उधर नंदगांव है। जय हो राधा रानी, जय हो लाला, दोनों को खूब प्रेम से आप आरोग भाव से भोग धराया। अभी पता नहीं क्या हुआ कि महाराज जी एक कौपीन में ही थे, लंगोटी में थे, तो बगीचे में थे तो अपने लंगोटी में थे, त्यागी तपस्वी जैसे होते, और गमछा सिर से बांधे हुए थे। और तब तक महाराज जी अकस्मात भावाविष्ट हो गए और नंदगांव की ओर भागे, राधाबाग से सीधे, कोई रास्ता वस्ता नहीं, खेत वेत सब ऐसी भागे। और पुजारी जी और हरिराम बाबा और भगवान दास खलीफा, ये लोग कमंडल लिए हुए दाल का और वो सब सामग्री लिए हुए, ये लोग भी दौड़ रहे हैं, और महाराज जी दौड़ रहे, हाथ में उनकी चिपिया, बाटी इधर उधर करने के लिए चिपिया, हाथ में चिपिया थी और दौड़ रहे महाराज जी। आवाज भी लगाई, महाराज जी कहाँ जा रहे हो, कुछ सुना नहीं उन्होंने, सीधे नंदगांव नंद महल पधारे, ठाकुर जी के लाला के यहाँ पधारे। वहां आकर महाराज जी तो प्रणाम करते करते मूर्छित हो गए, और सब संत वहां बैठ गए। ये रहस्य पता नहीं चला कि महाराज जी भाग के यहां क्यों आए। ऐसी विचित्र घटना, ठाकुर जी को पर्दा आया हुआ था नंद महल में, और जैसे ही पर्दा खुला तो चांदी के थार में चार लड्डू महाराज जी के हाथ के बने हुए, चूरमा के, देसी चूरमा के चार लड्डू। अब लड़ुआ तो पहचान में आया, क्यों यहां लड़ुआ पात्र में लड्डू रखे हुए हैं, वहां सामने लड्डू, तो फिर ये समझ में आ गया कि हाँ बलराम तत्काल सामने प्रकट हुए। एक एक लड़ुआ कृष्ण बलराम ने, कृष्ण ने हाथ में लिया, एक एक लड़ुआ दाऊ जी ने लिया, और कृष्ण बलराम दो भैया दौड़ के नंद महल की ओर, ठाकुर जी को पकड़ने के लिए महाराज जी दौड़े। और फिर इसके बाद में, अच्छा आश्चर्य की बात है, ये हमारे दिनेश जी तो नंदगांव के गोसाई हैं, इनकी तो सेवा हुआ है ठाकुर जी की, बाहर का भोग नहीं लगता नंद महल में। लेकिन आश्चर्यजनक घटना थी कि जो सेवक ठाकुर जी के, उनके भी दिमाग में ये बात नहीं आई कि हम यहाँ रसोई घर में चूरमा बने नहीं, और ठाकुर जी के थाल में चूरमा के लड्डू कैसे रखे हुए। और उन्होंने प्रसाद रूप में संतों को दिया, चरणामृत दिया। इसके बाद आए तो पावन सरोवर पर बैठ करके फिर सबने प्रसाद पाया। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि माखन चोरी तो माखन चोरी, लड़ुआ चोरी है रही है आज भी। भगवान पदार्थ के भूखे थोड़े हैं, आप भाव से जो स्मरण करो वो तत्काल व्रज में होता है, इसलिए भगवान की नित्य लीला आज भी हो रही है।